आज टप्पू के पापा फिर से बाहर खाना खाकर आने वाले हैं, और अगर ये बात बापूजी को पता चल गई तो बापूजी फिर से गुस्सा करेंगे। माँ ने सही कहा था, आज बहुत बड़ी घटना घटने वाली है। क्या करूं? टप्पू आएगा तो उसको कह दूंगी, बापूजी गुस्सा हो तो दिक्कत तू संभाल लेना। हाँ ये ठीक है। दया भाभी कैसे हो? कुछ ठीक नहीं है भिड़े बहन, बापूजी और टप्पू के पापा के बीच में अबोला अभी भी चालू है। घर में अशांति का वातावरण है, पता नहीं घर में से आनंद उल्लास कहाँ चला गया। दया भाभी एक बात कहो, सब दिन एक जैसे नहीं होते, ये वक्त भी बीत जाएगा, बस आप अपनी तबीयत का ख्याल रखिएगा। हाँ। और चिंता मत कीजिए, हम सब आपके साथ हैं, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू भेड़े बहन। हो, क्या बात है माधवी। ए माधवी, वाह माधवी, इस महीने में आचार पापड़ के बिजनेस में 12,000 का प्रॉफिट हुआ है। हूँ क्या, तुम्हें खुशी नहीं हुई? नहीं नहीं खुशी हुई है। तो फिर क्या सोच रही हो? वो जेठा भाई और चाचा जी के बीच अनबन हुई है ना, तो उसके बारे में सोच रही हूँ। भगवान करे उन दोनों के बीच जल्दी सुलह हो जाए। आहो मिकाइमेंटे, आप सुलह करवाइए ना। मैं माधवी, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ये उनका घर का पर्सनल मामला है, हमें इसमें नहीं पड़ना चाहिए मेरे हिसाब से। हम लोग अंदर आ सकते हैं? आइए आइए, बैठिए बैठिए। नहीं नहीं भाई, हम बैठने नहीं आए। क्या वो पोपटलाल, तुम तीनों बहुत सीरियस लग रहे हो। ओ पिडू, मैंने एक गल दस, तू कौन है यार? ये कैसा सवाल है? तुम जवाब दो कि हु आर यू, तुम कौन हो? अरे कौन हो मतलब, मैं हूँ, मेरा मतलब मैं इंसान हूँ। अरे भाई इंसान हम सब है, यहाँ कोई जानवर नहीं है। तू ये बता कि तू हम सबसे अलग कैसे? अलग हाँ, मैं शिक्षक हूँ। आदराम तुम टीचर तो हो, लेकिन तुम गोकुलधाम सोसाइटी के एक मेवा सेक्रेटरी भी हो। हाँ वो तो। अच्छा अच्छा अच्छा, अब समझ में आ गया, तुम तीनों सोसाइटी की समस्या लेकर यहाँ पे आए हो। अरे लेकिन अय्यर पोपटला, तुम तो कमिटी मेंबर्स हो, तुम लोग को मालूम है ना कि सोसाइटी की समस्या ऐसे घर में बैठकर डिस्कस नहीं कर सकते, उसके लिए सोसाइटी की मीटिंग बुलानी पड़ती है। कमाल है पिडू, वो सोसाइटी में आग लगी है और उसे बुझाने के लिए हम लोग सोसाइटी की मीटिंग की राह देखे। उसकी बात कर रहा है। तोशियाग, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गोकुलधाम के सेक्रेटरी होने के नाते तुमको कुछ करना चाहिए। बरोबर है बगा, मैं भी इनको अभी यही कह रही थी। अरे लेकिन ये उनके घर का पर्सनल मामला है यार, इसमें सोसाइटी का सेक्रेटरी कुछ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता भाई? और जेठापुरा और चाचा जी परेशान है, और जेठापुरा परेशान है तो दया भाभी परेशान है, दया भाभी परेशान है तो पूरा महिला मंडल परेशान है, और दया भाभी परेशान है तो टप्पू परेशान है, टप्पू परेशान है तो टप्पू सेना परेशान है, ये सब परेशान है तो पूरी गोकुलधाम सोसाइटी परेशान है, और इस परेशानी को दूर करना तेरा कोई फर्ज है कि नहीं? वाह सुड़ी वाह, समझा? आहो सोसाइटी यानी समाज, और समाज बनता है परिवार से, तो जेठा भाई के परिवार की प्रॉब्लम सोसाइटी की प्रॉब्लम हुई कि नहीं, तो आपको कुछ करना ही पड़ेगा। नहीं बरोबर है माधवी, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एक नया सेक्रेटरी जेठालाल और चाचा जी से मिलूंगा और उनके बीच सुलह कराने की कोशिश करूंगा। शाबाश मेरे, शाबाश। चलिए हम अभी सभी सोसाइटी मेंबर्स को बुलाते हैं और क्या करना चाहिए उसका डिसीजन लेते हैं। हाँ। अरे भाई किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, सब नीचे ही खड़े हैं। चलो 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 चलो, आ जाओ मैं आता हूँ। भाई हमारी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि कुछ भी कीजिए,
पर जेठा भाई के घर की प्रॉब्लम सॉल्व करनी ही होगी। जब से उनके घर प्रॉब्लम हुआ है गोकुलधाम से सारी खुशियां ही गायब हो गई हैं। सही बात है। ना टप्पू की शरारत देखने को मिलती है और ना दया भाभी का गरबा। कई दिनों से दया भाभी तो खुलकर हंसी भी नहीं है। एग्जैक्टली। देखिए ना, हर कोई टेंशन में रहता है कि जेठा भाई और चाचा जी के बीच में कब किस बात के लिए झगड़ा हो जाए। भिड़े भाई प्लीज कुछ कीजिए। हाँ आप सबकी बात सही है, लेकिन जेठालाल और चाचा जी को समझाना आसान काम नहीं है। मैं एक बार जेठालाल को समझा सकता हूँ, लेकिन चाचा जी को समझाना मतलब शेर की पूंछ उठाकर नीचे से झाड़ू मारने जैसा है। लुकी गर्ल कर रहा है वो, शेर की पूंछ उठा के उसके नीचे से झाड़ू मारना। वो शेर है शेर, उसके नजदीक भी जाओगे ना तो वो कच्चे चबा के खा जाएगा। अरे सॉरी, मैंने उदाहरण दिया भाई, मतलब चाचा जी से बात भी करने जाओ ना जेठालाल के बारे में तो वो भड़क जाते हैं। तो हमें बोलना यार। लेकिन भिड़े भाई कोई तो रास्ता निकालना होगा ना। भैया यार तुझसे एक रिक्वेस्ट है। बोलो। कोई ऐसी रिसर्च करो जिसमें इंसान अपने दिमाग से बुरी यादें जो है ना एक ही बार में डिलीट कर दे। क्या है ना, इंसान सब कुछ भूल जाता है पर दूसरों की गलतियां कभी नहीं भूलता। I wish it was possible. So true, हाँ? हम अच्छी बातें भूल जाते और बुरी बातें हमेशा याद रहती। हाँ? अरे सारे प्रॉब्लम्स इसी वजह से तो होती हैं। अरे अभी वो सब छोड़िए और ये सोचिए कि हमारे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे लाएं। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन? हाँ, यही। हाँ। सही बात है। क्या है ना, दुनिया में हर प्रॉब्लम बात करके सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग ऐसा करते हैं, जेठा भाई को सोडा शॉप पे बुलाते हैं और फिर कुछ प्लानिंग करते हैं कि कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। डिस्कस करने से बड़े से बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व होता है, तो फिर ये क्या है? करेक्ट है, जय दलाल को बुलाते हैं। आज चाहे कुछ भी हो जाए दोनों के बीच में सुलह करवा के रहेंगे। करेक्ट है बाबू। मैं जेठालाल को बुलाता हूँ। जेठालाल, ओ जेठालाल। हाँ बोले भिड़े भाई। नहीं कुछ नहीं, हम लोग सोडा शॉप पे जा रहे थे इसलिए जेठालाल को बुला रहे। पूरी गोकुलधाम सोसाइटी के लोग सोडा पीने जाने वाले हैं? नहीं नहीं नहीं, दया भाभी हम तो यूं ही खड़े हैं, बस थोड़े गप्पे लड़ा रहे हैं। अच्छा। दया भाभी जी, जरा जेठा भाई को भेजो ना। अब टप्पू के पापा अभी तक घर पर नहीं आए। भिड़े मास्टर, जेठा भाई घर पर नहीं है तो चाचा जी को ही सोडा शॉप पे बुलाते हैं, उनसे ही कुछ बात करते हैं। दया भाभी जरा चाचा जी को भेजिए ना सोडा शॉप पे। हाँ। नहीं बापू जी भी अभी तक घर पर नहीं आए। क्यों, क्या हुआ, सब ठीक है ना? हाँ सब सब ठीक है, वो तो हम ऐसे ही पूछ रहे थे। अच्छा ठीक। चाचा जी भी नहीं है और जय दादा भी नहीं है, अभी बात करें तो किसी के साथ करें? लगता है ये प्रॉब्लम इतनी आसानी से सॉल्व नहीं होने वाला है। यारो मैं क्या कहता हूँ, जेठा प्राव और चाचा जी को आने दो, आज दोनों को आमने सामने बिठा कर रहेंगे और इस बात का हल निकाल कर रहेंगे और दोनों के बीच में आज सुलह करवानी है। करेक्ट। ये रिक्शा, चाचा जी आए होंगे या जेठा भाई? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हाँ गुड मॉर्निंग। जेठा जी शाम को गुड इवनिंग कहते हैं। हाँ सॉरी। क्या बात है जेठालाल, तुम्हारी आवाज हमेशा खनकते हुए सिक्के की तरह कड़क होती है, आज ये पुरानी नोट की तरह ढीली क्यों हो गई है? वो बापू जी मान नहीं रहे तो आवाज क्या, दिमाग भी हिल गया है पोपटला जी। और जेठा ब्रा कुछ भी हो जाए हिम्मत ना हारना, हमें तुम्हारे साथ टेंशन को देखना तक मुक्के मारना। जेठालाल हम क्या कहते हैं, चलो सोडा शॉप सोडा पीने के लिए। आ, चलो चलो नहीं भिड़े, वो पूरा दिन दुकान में काम करके थक गया हूँ, अभी घर जाके आराम करना है। ठीक है आप लोग जाओ, मैं बाद में आता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, बाद में चाचा जी से बात कर लेंगे हम लोग। चलो चलते फिर, है ना? हाँ चलो चलो चलो। जेठा जी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। थैंक यू बबीता जी, बस आप लोग प्रार्थना कीजिए बाप। We'll be right back.
अब तो बिल्कुल बराबर चल रही है। जेठा भाई बेहोश हो गए। अरे ऐसे कैसे बेहोश हो गया अचानक? टप्पू के पापा, अरे टप्पू के पापा क्या हो गया? जा भाभी आराम ना। टप्पू के पापा, क्या हो गया? जय भाभी नब्ज बिल्कुल बराबर चल रही है, जेठा भाई बेहोश हो गए हैं। ऐसे कैसे बेहोश हो गए? एक काम करो, कोई नहीं जूता सुखाओ। अरे भाई अब तो बेहोश हो गए हैं, मिर्गी नहीं आई है। और वैसे भी मिर्गी आए तो भी जूता सुंघाना सही इलाज नहीं है। सॉरी हाथी भाई, सॉरी। टप्पू के पापा बोलते क्यों नहीं है? बोलिए ना, उठिए ना टप्पू के पापा, कुछ कीजिए। दया भाभी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, नब्ज बराबर चल रही है, जल्दी से जेठा भाई को मेरे क्लिनिक ले चलते हैं। टप्पू के पापा, हाथी भाई जल्दी से टप्पू के पापा को होश में लाइए ना, जल्दी प्लीज। क्या हुआ? क्या शांत हो जाइए। फिर भी मतलब समझ में नहीं आया। ये समझ में नहीं आ रहा। शांत हो जाइए वरना मैं पेशेंट को चेक नहीं कर पाऊंगा। देखिए आप लोग सब बाहर जाइए, मैं चेक करता हूँ। हाँ बरोबर है हाथी भाई, सॉरी चलो हम लोग बाहर खड़े रहते हैं। हाथी भाई आप जरा बताएंगे टप्पू के पापा बेहोश क्यों हो गए? कहीं खाने की वजह से तो नहीं हो गया? या फिर कोई टेंशन? बापू जी से बात नहीं कर रहे इसलिए तो ऐसा नहीं हो गया? जरा बताइए ना क्या हुआ है, मुझे पता ना चले कब से बेहोश है, जल्दी बताइए ना, बहुत टेंशन हो रहा है। देखिए दया भाभी आप भी बाहर जाइए, आप इतने सवाल करेंगी तो मैं जेठा भाई को चेक नहीं कर पाऊंगा, आप प्लीज बाहर जाइए। भिड़े मास्टर सिर्फ तुम यहाँ रुको। अच्छा ओके। आदि भाई कुछ भी जरूरत हो तो हम लोग बाहर खड़े हैं, फटाफट आवाज दे देना। चलो भाई चलो चलो। मैं यही रहूंगी, बाहर नहीं जाऊंगी। भाभी आप बाहर चलिए, डोंट वरी, हंस है ना तो ऐसा। चलिए परी दया भाभी, हंस जेठा भाई को फटाफट ठीक कर देंगे। दया भाभी चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ मैं तारक को फोन कर देती हूँ। हाँ बोलो अंजलि। हेलो तारक, आप जल्दी सोसाइटी आ जाइए। क्या हुआ? जेठा भाई बेहोश हो गए हैं। क्या? अचानक बातें करते करते बेहोश हो गए। अंजलि मैं घर ही आ रहा हूँ, मैं रास्ते में हूँ, बस मैं अभी पहुँचता हूँ, प्लीज जल्दी आइए। हाँ भगवान जेठालाल मना किया था, ऐसी कसम मत लो, भोगे ना गड़बड़। भगवान मेरे दोस्त की रक्षा करना। तारक अभी आ ही रहे हैं, रास्ते में हैं। यार मैंने तो समझ नहीं आ रहा जेठा भाई एकदम बेहोश कैसे हो गए। भाई हमारा शहरी जीवन दिन ब दिन ऐसा होता जा रहा है कि स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जो कुछ भी होता है स्ट्रेस की वजह से होता है। कौन सी एक्ट्रेस की वजह से? अब्दुल एक्ट्रेस नहीं, स्ट्रेस, तनाव, तनाव सब बीमारी का जड़ ये तनाव ही है। इस तनाव से बचने के लिए ही तो मैं तारक को रोज सुबह उठ के करेले और आंवले का जूस पिला देती हूँ। और मैं तो कहती हूँ दया भाभी सबको रोज आंवले और करेले का जूस पीना ही चाहिए। वैसे टप्पू के पापा भी तंदुरुस्त ही है, थोड़े भरे भरे है, लेकिन आखिरी बार उनको कब सर्दी जुकाम बुखार हुआ था वो याद करना पड़ेगा। पता नहीं अचानक क्या हो गया। डोंट वरी दया भाभी, हंस है ना, अभी पता लगा लेंगे क्या हुआ है। हाँ दया भाभी जी तुसी फिकर ना करो। चाचा जी को किसी ने बताया कि नहीं? नहीं बबीता जी, बापू जी को कैसे बताएं, वो अपने पास मोबाइल फोन नहीं रखते हैं। तारा बस क्या हुआ, कैसा जेठा? हाथी भाई के क्लिनिक पे हाथी भाई उनका चेकअप कर रहे हैं। चाचा जी आ गए।
तुम लोग ऐसे मुंह लटकाए हुए क्यों खड़े हो? क्या बात है चाचा जी? वो क्या वो बोल। सब पता था, सब पता है, लेकिन जेठालाल ने दोस्ती की कसम दे रखी है तो नहीं बता सकता मैं। पप्पू जी, वो टप्पू के पापा है? क्या टप्पू के पापा? क्या वो क्या टप्पू के पापा? चाचा जी, वो जेठालाल बेहोश हो गया। क्या? दरअसल जेठालाल बाहर से आकर घर की तरफ जा रहा था, बातें करते करते अचानक वो गिर गया और बेहोश हो गया। अरे हेलो, अपने आपको चाचा जी। अरे लेकिन ये सब कैसे हुआ? जेठिया बेहोश कैसे हुआ? क्या हुआ उसे? चाचा जी, असल में मुझे पता है कि जेठालाल बेहोश क्यों हुआ है। क्या? तुझे पता है? तुझे पता है? अरे तो चुप क्यों है? बोल। तारक बोलिए ना। जेठालाल ने मुझे कसम दी है कि मैं किसी को नहीं बताऊं, इसलिए मैं वो कसम नहीं तोड़ सकता। कसम? अरे मैं तो उसको बताता के नहीं, बता। चाचा जी, बताता हूँ जेठालाल, मुझे माफ करना, मुझे बताना पड़ेगा, मैं कसम तोड़ रहा हूँ, लेकिन दोस्ती की कसम सिर्फ दोस्ती की खातिर तोड़ रहा हूँ जेठालाल। दरअसल बात यह है कि अबे क्या पापा ने दिन ही आतिशबाजी का है, बड़ी ही खुशी का दिन है, क्योंकि आज आपके प्रिय कार्यक्रम तारक मेहता का उल्टा चश्मा के 1900 एपिसोड हो चुके हैं। आज 1900वां एपिसोड है, यकीन मानिए सिर्फ आपके प्यार और विश्वास के लिए। अगर आपका प्यार यूं ही बना रहा है तो ये संख्या बढ़ती रहे। बड़ी ही खुशी का माहौल है, लेकिन यहाँ गोकुल धाम में टेंशन है। मेरे परम मित्र जेठालाल डॉक्टर हाथी के घर में बेहोश पड़े हैं, चाचा जी परेशान और फंस मैं गया हूँ। खुशी का माहौल होना सही, लेकिन हम दुखी हैं, क्योंकि उल्टा चश्मा है। जब सब हंसते हैं हम रोते हैं, जब सब रोते हैं तब हम हंसते हैं, और यहाँ बाप बेटे के बीच में मैं फंस गया हूँ। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आप तो हंसते रहिए, क्योंकि चाहे 1900 एपिसोड हो या 1900 साल, हम आपके घरों में हंसी लाते रहेंगे। यह वादा है तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम और श्री असित कुमार मोदी का। हंसते रहिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.